ରାଜ୍ୟରେ କାମ ନ ମିଳିବାରୁ ସୁରତ ମୁହାଁ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଶ୍ରମିକ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁରତକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ଏଥିପାଇଁ ସୁରତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରେନ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମାଜର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାଉତ ଏବଂ ଅଜୀବିକା ବୀର ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥାର ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା କଥା ଓଡ଼ିଶା ସମାଜର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। एक स्पेशल ट्रेन का आयोजन किया गया है जो कि श्रमिकों के लिए ही स्पेशल ट्रेन है। जो उड़ीसा के जो श्रमिक जाके वहाँ पे लॉकडाउन में रह गए हैं, उन लोग के पास खर्चा नहीं है सूरत आने के लिए, तो इसके लिए आजीविका ब्यूरो नाम का जो संस्था है उन्होंने वो सब लेबर के लिए काम करते हैं और वो अपने खर्चे से लगभग 28-30 लाख का खर्चा है ट्रेन में। उन्होंने ये ट्रेन का आयोजन आज किया। आज 24 तारीख है, सुबह 11 बजे यहाँ से निकलेगी, वहाँ कल शाम को 4 बजे पहुँचेंगी, फिर ट्रेन रिटर्न 6:30 बजे निकलेगी, पूरा फुल पैसेंजर 1250 पैसेंजर लेके। महामारी कोरोना समय रे ओडिसा को फेरी थिबा श्रमिक भाई भोनी माने काम न पाई घरे बसी छंती। एपरी कि कर्मक्षेत्र को फेरिबा पाई सेमाने को निकट रे अर्थ नथिबा बेले सहायता रे हात बढाई छंती उभय संस्था। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। Thank you.